चैलेंज करता हूं, कोई बंदा आके कहे कि हमारे पैसे बाकी हैं ड्राई पोर्ट में, मैं डबल दूंगा। कोई माई गला अलग है, मैं जिम्मेदार हूं। एक एक बंदे को हर टका टका वापस किया। जो कहता है बकवास करता है, झूठ बोलता है। जो छोड़ के गए हैं उनमें मेरे अपने अजीज भी हैं, उन्हें बहुत जल्दी थी। जल्दी इसलिए कि इसी साल वो सदर बनना चाहते थे। अली हमारे भट्ट साहब की इसकी बात कर रहा हूँ, भतीजा है मेरा। लेकिन हम लोगों ने एक हफ्ता पहले, क्योंकि हम कारोबारी लोग हैं, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ इलेक्शन नहीं लड़ते, ऑपोजिशन भी तो कारोबारी है। नहीं, बहरहाल हम कारोबार को पहले तरजीह देते हैं, उसके बाद इलेक्शन है। मेरी अपनी जाती ख्वाहिश है कि चेक प्लस नहीं होनी चाहिए। अगर वो जिम खाने में कोई फ्रॉड किया तो हमें तो नहीं पता, ऑडिट होता है पता चल जाए। हमने तो आज तक आमिर रहमान से कोई इल्जाम नहीं लगाया। एक और आपने को वादा किया था ओपोजिशन से जी, कि हम इलेक्शन कमीशन में एक मेंबर आपका। हमने कोई वादा नहीं किया, जो रिवायत आया कोई, इन्होंने कभी डाला था? कब वादा किया हमने? इनका बंदा डाल के हमने मर रहा है। ट्राईपोर्ट का मंसूबा था, वो क्यों नहीं बन सका? वो इन्हीं की मेहरबानी है, हर चीज हो गई थी। वोटर वेल्डिंग का आपके सामने बना, कमीशन से पूछे उसकी फिजिबिलिटी किसने बनाई, उसे पाया अमल किसने बनवाया? 5.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। ओपोजिशन जो है वो हाई कोर्ट में भी चली गई है और उन्होंने पिटीशन डाल दी है, इस पर आपका क्या मौकफ है? लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है, अगर डीजीटीओ नहीं मानी तो हम क्या कर सकते हैं? हारने वाला ग्रुप जो है हमारे मुल्क में एक वायद बन गई है, वो अपनी शिकस्त नहीं मानता कोई भी हो। आपका ग्रुप, अगर आप, मैं आपके लिए नेक मनाऊंगा, इजहार करता हूं, अगर आप हारते हैं। यार मैं आज इलेक्शन में 2 दफा हम हारे हैं, अपोजिशन को हम लोग हार पहना के उन्हें मुबारकबाद दे के जा रहा है। उस्मान इब्राहिम अब उनकी तरफ है ना, हमारी तरफ तो नहीं है, ये सियासी मदालत नहीं है। दूसरी तरफ से होती है तो फिर हमारा दिल जलता है, फिर हमारे बंदे भी हमें कहते हैं यार आप लोग जवाब नहीं देते, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। अगर वहां से भी मसबत हमें सिग्नल आए तो क्या बात है यार, हमारे बाप की कुछ जागीर है चैम्बर, ये सबका है, ये सबका हक है। अपनी जबान को शीरी कर ले थोड़ा सा तो क्या मामला है, हर चीज हो सकती है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम खातमुन्नबीयीन रहमतल्लिल आलमीन सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। मेरे साथ आज बड़े खास मेहमान मौजूद है सागर किनारे में, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वन यूनिटी ग्रुप के कायद हैं। और आपको पता है, आपके इल्म में है कि गुजरांवाला में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मैं आपका बड़ा ममनून हूँ अखलाक भट्ट साहब, आप साबिक सदर भी हैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। ये बताइए कि इस वक्त आपके जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं इसमें आपके ग्रुप की क्या तैयारियाँ हैं, और आपने जो एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं 30, उनका इंतखाब किया है, किस मेरिट पे आपने उन लोगों को मुंतखब किया है और जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सागर साहब। आपको पता है ये इस दफ़ा 2 साल के बाद चैम्बर के इलेक्शन हो रहे हैं और ये तकरीबन 30 सीटों पे हो रहे हैं, फिर 2 खवातीन की सीटें आएंगी जी जी इंशाल्लाह। हम लोगों ने अभी 6-7 दिन से भरपूर कंपेन शुरू की है, वो लोग थे पिछले 1 महीने से 2 महीने 3 महीने से लगे हुए थे जो अपोजिशन है, जी। लेकिन हम लोगों ने एक हफ्ता पहले, क्योंकि हम कारोबारी लोग हैं, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ इलेक्शन नहीं लड़ते, ऑपोजिशन भी तो कारोबारी है। नहीं, बहरहाल हम कारोबार को पहले तरजीह देते हैं, उसके बाद इलेक्शन है, क्योंकि हमारे रोजगार लगे हैं, हमारे कारीगरों के रोजगार है और इस मुल्क की सारी बेस और सारे मामला आपकी। बहरहाल हमने भरपूर तरीके से 8 दिन से शुरू किया और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जहां भी जाते हैं हमारे वोट इंटैक्ट है और पहले से बेहतर पोजिशन में है। जिस तरह आपने सवाल पूछा कि आपने उम्मीदवार किस तरह, हमारा तरीकाकार है राघव साहब कि हम लोग जब से मैं इस अपना इलेक्शन में आया हूँ, ये चैम्बर के इलेक्शन में, हमने प्रेफर दिया एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और अंजुमन ताजरा। हम बंदे सिलेक्ट नहीं करते, हम सीट्स देते हैं एसोसिएशन को, एसोसिएशन वाले खुद डिसाइड करते हैं कि किस बंदे को हमने खड़ा करा, अपना नुमाइंदा वो देते वो देते। ये पुराना आपका तरीकाकार हमारा है, इस दफा भी हमने पूरी एसोसिएशनों को कही है डायरेक्टली, कोई नहीं बंदा हमारे पास डायरेक्ट, ठीक है, सब एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं और उन्होंने नहायत अच्छे बंदे दिए हमें, सरामिक से दिए, मुनियम यूटेंसल से दिए, हमें अंजुमन ताजरा से दिए, प्लास्टिक एसोसिएशन से दिए, हमें पीवीसी पाइप वालों ने दिए, सेंट्री वालों ने दिए, अंजुमन ताजरा से 2-3 हैं और माशाल्लाह
जवान खून है। आप देखेंगे हमारे जितने भी उम्मीदवार आने वो कोई ट्रेड बॉडी से है, कोई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से है, और जवान है और पढ़े लिखे लोग हैं। हमने कोशिश की है उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी नुमाइंदगी दी जाए, और ना हमने किसी बरादरी को प्रेफर किया है, ना सिर्फ अच्छाई को, उसके बिजनेस कम्युनिटी, उसकी सर्विस को, और जो वक्त दे सके इस चैम्बर में अपनी बिजनेस कम्युनिटी को सही करने के लिए, तो उसको हमने प्रेफर किया। ठीक है। अच्छा, ये जो इस वक्त इलेक्शन के मामलात हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, अगर बहुत ज़्यादा तादाद में ना भी कहें तो जो मौजूदा रजीम है उसके भी अहदेदारान समेत कुछ लोग आपको छोड़ के भी गए हैं, तो ये सिलसिला जो है छोड़ने का, आप समझते हैं कि कोई कमी रह गई है इस रजीम के, या ग्रुप में को काम करने में, या साथियों को इकट्ठा रखने में? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं इसी तरफ आने वाला था। कुछ लोग बिल्कुल हमें छोड़ के गए हैं, उससे पहले कुछ हमारे लोग वापस भी आए हैं, तीन चार जो पहले आज से चार साल पहले हमें छोड़ गए थे, ये इलेक्शन में चलता है, वो लोग आए थे। जो छोड़ के गए हैं उनमें मेरे अपने अजीज भी हैं, उन्हें बहुत जल्दी थी जी, जल्दी इसलिए कि तो इसी साल वो सदर बनना चाहते थे, अली हमारी भट्ट साहब की इसकी बात कर रहा हूँ, भतीजा है मेरा, हमारी अजीजदारी है, हमारे तल्लक है, अच्छे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, लेकिन वो जल्दी इतनी थी कि तो वो कह रहा था कि शायद मैंने एक कमिटमेंट, उन्होंने बताया कि मैंने कमिटमेंट की हुई है, मैं अपनी जुबान से नगला नहीं हो सकता, और पहले से वादा किया, वादा किया हुआ था। और इसके अलावा भी अभी दो साल तीन साल पहले हमने कश्मीरी सदर बनाया, तो ये नहीं हो सकता हर साल एक बरादरी को टोकी जाए, ये मुमकिन नहीं है, वो भी हमारी बरादरी है, जिस तरह हमारा नारा है कि बिजनेस कम्युनिटी हमारी बरादरी, जो बैठेगा वो भी हमारी बरादरी होगा। तो मैंने उन्हें यही कहा कि हाँ, ये इंशाल्लाह जो वादा पूरा, उसके बाद फिर आप लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा, आप भी ठीक आ जाए। उन्होंने कहा नहीं जी, इसी साल हमें आना है, हमने माजरत कर, अगर अपना फैसला आप खुद कर सकते, उन्हें इतनी जल्दी थी, पिछले साल वो ऐसे भी पी रहे, उन्हीं का बंदा, उन्होंने ही रखा, और इस साल वो सदर बनना चाहते हैं, तो मैं क्या कह सकता था, ये उनकी मर्जी है, पता नहीं वहां जाके भी वो सदर तो नहीं बन सके इसी साल, पता नहीं अगले साल बनते हैं या नहीं, वो अल्लाह वालों। तो ये मामला हुआ उनके छोड़ने का, इंशाल्लाह उससे जो हमारा कोई नुकसान हुआ वोटरों का, उसमें कोई शक नहीं, उसको हमने उससे ज्यादा कवर किया है, उन्हीं के ग्रुप से कवर किया है, इंशाल्लाह हमने फार्मर्स एसोसिएशन से काफी लोग हमने अपने साथ मिलाए हैं, बिजनेस कम्युनिटी को ये पैगाम दिया है कि बरादरी से बालातर हम लोग फैसले करते हैं, तो फैसला करना तो मुझे अपने भतीजे से क्या अजीज हो सकता है, हाँ हमारे वो अजीज हैं, हमारे तल्लक वरना, लेकिन हमने जो वादा किया हमने अपने वादे वफा करने हैं, और इंशाल्लाह वो किए हैं, और अपनी उसी बरादरी को उसी तरीके से चलाएंगे जो हमने एक रूटीन बनाई हुई है, तो इंशाल्लाह वोटों के सिलसिले हमें कोई कमी नहीं है, पहले से ज़्यादा इंशाल्लाह हमें अच्छे और अच्छे लोग वोट देंगे। ये बताएं जो आपका मौजूदा रजीम रही है उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से, उन पे बड़ा जो सदर बने थे उन्हें हाथ साथी सदर भी कहा जाता था, आपके जो असल कैंडिडेट थे वो कामयाब नहीं हो सके थे, शेख साहब आ गए और हमने देखा है उन्होंने बड़ा वक्त दिया लोगों को, लेकिन उनके बारे में फिर भी गुफ्तगू बहुत होती रही है, तो आप मुतमईन हैं उनकी परफॉर्मेंस से, और जब आप तो बिजनेस कम्युनिटी के पास जा रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से कारोबारी बरादरी की तरफ से कैसा रिस्पांस आ रहा है? जिस तरह आपने बताया ना, वो गैर रवायती तरीके से वो सदर आए, क्योंकि उस वक्त हमारे पास चॉइस कोई नहीं। बहरहाल हम कहते हैं जो फैसला हमने किया, जिन लोगों में से चॉइस की हमने फैसल की, शेख फैसल की, वो इंतहाई कामयाब रही है, हमें बिजनेस कम्युनिटी से उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फैसल ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़ा पढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों के दिल जीते हैं, उन्होंने लोगों के काम किए हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है अपने अपने शहर लेवल तक, और उसे सूबाई महकमा जात मिलने, क्योंकि वो एक पेशे के लिहाज से एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है और दुकानदार भी है, और उसे लोगों को मिलना आता है, वो एक रिटेलर दुकान भी करता रहा है, पब्लिक डीलिंग बड़ी अच्छी है, पब्लिक डीलिंग आप भी जाते रहे, आपको भी पता है, जहां भी हम गए हैं हमें ये वहां से मैसेज मिला है कि फैसल ने हमारे काम किए, वो पुलिस का हो, वो डीसी का हो, वो एनवायरमेंट का हो, वो इनकम टैक्स का हो, वो वजारत दाखला का हो, पंजाब का हो, हर काम, और इसके अलावा अकेला सदर कुछ नहीं होता, ये टीम काम करती है, हमारी टीम में मैं था, मलक जहीर था, राणा शहजाद साहब थे, ख्वाजा जरार साहब थे, शोएब बट थे, हर सीनियर साथ मौजूद, वो हम उसके साथ जाते थे, तो इसी तरह हम और उसमें कोई फर्क ही नहीं था, इसलिए आज से मैं समझता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है।
और उसका भी हम बेनिफिट ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं जो मेगा प्रोजेक्ट्स आए हैं जिनमें गुजरांवाला के लिए मोटरवे लिंक की बड़ी बात की जाती थी, चैम्बर की सतह पर भी बड़ी आवाज़ उठाई जाती रही है, इसी तरह खिदमत मरकज बनाया सेंटर, आप इसका क्रेडिट लेते हैं लेकिन ऑपोजिशन आपका क्रेडिट नहीं मानती है, वो कहते हैं कि इनमें से कुछ मंसूबे तो मोहसिन नकवी दे गए, अदरवाइज तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो ना काम चला आ रहा था, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मोटरवे लिंक आपके सामने बना कमिश्नर से पूछे जी, उसकी फिजिबिलिटी किसने बनाई, उसे पाया अमल किसने बनवाया, 5.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, कराची की फर्म आई की थी हमने, उमर अशरफ, शुएब भट्ट, मैं, राणा शहजाद, मलक जहीर 5 मेंबर थे उसमें, 2 साल में उसकी स्टडी हुई, ये तो किया कराया प्रोग्राम था जो हमने उनको दिया, उन्हें हमने कहा ये 30-70 में पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड में ये मंसूबा बनना था, नकवी साहब क्योंकि थोड़े अरसे के लिए आए थे उन्हें हमें रिक्वेस्ट की कि ये मंसूबा हमें कर दें, देखें हमें तो मंसूबा बनाने से गर्व था, वो हमने कुछ झंडे थोड़े लगवाने थे, किसी भी हुकूमत में हो कोई भी हो चल रही हो आपने तो प्रोजेक्ट, पीटीआई में हमने कोशिश की नहीं बन सका, उसके बाद मुस्लिम लीग की हुकूमत क्योंकि थोड़े दिनों के लिए आई थी हमजा साहब की, वो अभी नेगोशिएशन हो रही थी, वो हाईकोर्ट का फैसला हो गया तो खत्म हो, बहरहाल निगरान हुकूमत ने उन्होंने कहा जी ये हम खुद बनाएंगे, 12-13 अरब रुपये का मनसूबा है, ये हम लोग खुद बनाएंगे, हमने कहा बिस्मिल्लाह बना ले, उन्होंने कहा ये आपको पैसे नहीं मिलेंगे, हमने कहा नहीं ना दे कोई मसला नहीं, ये हमारे सीनियर, ये चैम्बर के पैसे नहीं थे, ये हमारे पैसे, पैसों से मुझे याद आ गया कि आपकी ऑपोजिशन कहती है कि आप ड्राई कोर्ट के जो पैसे थे उसमें से मामला बड़े गड़बड़ किए गए और अब थोड़े पैसे वापस किए जा रहे हैं, 3-3 लाख आप ड्राई कोर्ट का मनसूबा था वो क्यों नहीं बन सका? वो इन्हीं की मेहरबानी था, हर चीज हो गई थी, वो DHA के सामने जगह थी जो आज मेरे ख्याल में 1 एकड़ शायद 50 करोड़ का हो, वो हम लोगों ने 1.80 करोड़ का साइन किया था, इन्हीं के लीडरान ने खत लिखे पाकिस्तान आर्मी को, NLC वालों को, तो ये उसको यासम अनीस वगैरह उसका सदर था, इन्होंने लेटर लिखे कि ये मनसूबा खत्म, सदर ये बन गए ना, जो हम 1-2 दफ़ा हारे ना हम लोग पीछे हटे तो उन्होंने उड़ा दिया, उन्होंने माजरत कर ली कि आपका चैम्बर आपके साथ नहीं है, वरना वह कंपनी बनी हुई थी, जगह बन गई थी, आज वो पोर्ट होता तो 5 बिलियन का पोर्ट होना था, अब वो पैसे वापस, वो पैसे तो उसी वक्त हमने, अगर माई का लाल मैं चैलेंज करता हूं कोई बंदा आके कहे कि हमारे पैसे बाकी हैं ड्राई पोर्ट में, मैं डबल दूंगा, कोई माई का लाल है मैं जिम्मेदार हूं उसका, एक एक बंदे को हर टका वापस किया, जो कहता है बकवास करता है झूठ बोलता है, जिसने हमसे रब्ता किया जब बंदे आए हमने बुला बुला के उनको पैसे पूरे दिए, हालां खर्चा भी हुआ था, तो हमने मैंने खुद और हमारे 4 दोस्तों ने बर्दाश्त किया, कंपनी बनाने का आने जाने का 2.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था, उसे हम लोगों ने पूरे 5-5 किसी का 5 लाख था किसी का 10 सब वापस कर, एक एक किसी को कोई बकाया नहीं, ठीक है। अच्छा बट साहब ये बताएं कि ये जो फॉर्जरी का इल्जाम आता है हर दफा, पिछली दफा भी वो इलेक्शन पोलिंग डे पे एक लिस्ट आ गई और उस पर वोट कास्ट तो हुए लेकिन वो मुतनाज़ा रही, उसके बाद फिर कोर्ट्स में मामला रहे, DGPO के पास रहे, इस दफ़ा भी ऐसा ही है और कुछ वोटों की जांच पड़ताल वहाँ जारी रही, अब अपोजिशन जो है वो हाई कोर्ट में भी चली गई है और उन्होंने पिटीशन डाल दी है, इस पर आपका क्या मौकफ है? देखिए एक सिस्टम बना हुआ है, अगर DGPO नहीं मानी तो हम क्या कर सकते हैं, DGPO नहायत ईमानदार आदमी है, इंतहाई ईमानदार और लॉ पे चलने वाला बंदा है, हमने भी अपने उनको दे दिए जाके डॉक्यूमेंट, देख के उसने कहा ये ठीक है चैलेंजेबल नहीं है, इनके भी वोट बने हैं उसमें, होता ये है कि डॉक्यूमेंट बाद कम होते हैं जांच पड़ताल में होता है, बेसी आती है रह जाती है, जिस लिस्ट इसीलिए लगाई जाती है ना, लिस्ट लगा दी आप, अगर आपका अपना वोट नहीं है तो आ जाए, एतराज बहुत से एतराज आता है, 80% एतराज ठीक थे जो ए से सी में गए, सी से ए में गए तो हमने मान लीजिए जो सही थे, क्यों ना माने, और ये हाई कोर्ट में जो जाना है ये देना नाकामी है ना इनकी, अगर DGPO तक मसला नहीं होता, अगर शौक पूरा कर ले वहां पर जाके हम क्या कह सकते हैं, किसी को रोक तो नहीं सकते हम लोग, सदर पाकिस्तान के बाद चले जाए सुप्रीम कोर्ट चले जाए, भाई वो जेन्युइन वोट है, हाँ अगर वो गलत होता निकाल दे। एक और आपने को वादा किया था ओपोजिशन से कि हम इलेक्शन कमीशन में एक मेंबर, आपने कोई वादा नहीं किया, जो रिवायत आया कोई इन्होंने कभी डाला था, कब वादा किया हमने इनसे,
इनका बंदा डाल के हमने मर रहा है, ये तो हर बात पे झगड़ा करते हैं, ऐसे लवाजमात बूत से बकते हैं, क्या कहें इनको। आप देखें इनकी वजह चोर डाकू लोगों को कहते हैं, ये बिजनेस कम्युनिटी की लैंग्वेज ऐसी होती है। हाँ, अगर इन तरीके से अच्छे तरीके से चले तो हर काम हो सकता है डॉक्टर साहब, वो हमारी दुश्मनी तो नहीं है इनसे, हमने तो कभी इनको जवाब भी नहीं दिया, जवाब देने हमें बड़े आते हैं, बातें हमें बहुत आती हैं, रोज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। अगर वो जिम खाने में कोई फ्रॉड किया तो हमें तो नहीं पता, ऑडिट होता है पता चल जाएगा। हमने तो आज तक आमिर रहमान से कोई इल्जाम नहीं लगाया, सुना है आपने, हमने इल्जाम लगाया, ऑडिट हो रहा है पता चल जाएगा। हमें तो ये तकलीफ थी यार, 1300 मेंबर क्यों हो गए वहां, क्या जरूरत थी, उसे छोटे साइज में रखते, उसे 1300 बंदा आ जाएगा तो क्या होगा, वो तो कुर्बल हो जाएगी वहां पे। तो ये आप बोलते हैं कैपेसिटी हाँ, का इशू है वहां पे, इतनी कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी है अगर इनका बंदा, हाँ एग्जेक्टिव कमेटी ने जो पास किया हमने मान ली, जब इनका दौर था कभी इन्होंने हमारा बंदा रखा था, पूछे इनसे से ऐसी रिवाइज तो नहीं है, तो इनको कहते हैं एक वादा कर लिया गया था, किसने किया था आप बताएं, इस तरह से हम दोबारा उनसे पूछेंगे किसने वादा किया था, हमने जो वादे किए जिंदगी में पूरे निभाए हैं, अब बताएं किससे वादा किया था। राइट, बिल्कुल। अच्छा, ये जो सूरत हाल बड़ सब नजर आ रही है, इसमें एक दफा हम जो स्मेल कर रहे हैं इसमें कि इलेक्शन जो है इसके बाद पहले से भी ये सिलसिला शुरू हो गया है और वोटर लिस्टों पे शकूक व शुबहात हैं जो, और उसके बाद भी लगता है इलेक्शन के नतायज जो है हारने वाला ग्रुप जो है हमारे मुल्क में एक वाहिद बन गई है, वो अपनी शिकस्त नहीं मानता कोई भी हो। आपका ग्रुप अगर आप, मैं आपके लिए नेक मनाऊं का इजहार करता हूं, अगर आप हारते हैं यार, मैं इस इलेक्शन में दो दफा हम हारे हैं, अपोजिशन को हम लोग हार पहना के उन्हें मुबारकबाद दे के घर आ गए, कभी नहीं गए। हाँ, अगर मुझे कुछ तहफात होंगे इलेक्शन पे तो मैं कोर्ट में, मेरा राइट है, मैं भी जा सकता हूँ, अगर उनको आया तो 24 मिला जाए, रोक तो नहीं सकते, आते हैं उनकी आदतें पूरी करें, पिछली दफा भी गए थे, क्या हुआ वो वोट निकले नहीं निकले, वो जेन्युइन थे, हाई कोर्ट में भी निकले। सियासी मुदाखलत का बड़ा कहते थे, इस दफा तो मैंने, आप बताएं सियासी मुदाखलत के लिए आपने देखी, इस दफा तो कम है ही नहीं गया, कभी भी नहीं हुई, ठीक है, कभी भी नहीं हुई। उस्मान इब्राहिम आप उनकी तरफ है ना, हमारी तरफ तो नहीं है, ये सियासी मुदाखलत नहीं है, वो अंसारियों को फोन करके कर कहता है कि इनके साथ चलो, अब सियासी मुदाखलत नहीं हो रही, बताया आप, जाहिर है कि अब सियासी शख्सियत उनके साथ है तो वो उनके साथ है, वो सबके लिए एक मियार होना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन जो आपके मामला कानूनी चले थे उसमें जो हुकूमती पोजीशन है उसका बड़ा जिक्र करते हैं कि मिनिस्टर साहब ने बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की और बहुत ज्यादा इंटरवेंशन गलत बात, क्या बात, क्योंकि उन्होंने हमें इस दफा वो यार इलेक्शन हमें उन्होंने जुटा के दिया है। हाँ यार, डिजिटल के मामले थे, वो फैसला नहीं करता था, मैं शहबाज शरीफ से मिला, मैंने कहा तुझे फैसला कर दे, ठीक है फैसला कर दे, जो राइट पे फैसला कर दे तो कर दिया। अच्छा भट्ट साहब, ये तो ओपोजिशन के साथ जाहिर है कि एतमाद का फुकदान है और ये सिलसिला तो चलता रहेगा, आने वाले दिनों में इल्जाम भी चलेंगे, ये मैदान एक लगा हुआ है। ये बताएं कि अब आप शहर के लिए सोचते हैं और बिजनेस कम्युनिटी के लिए, अब आपके जहन में क्या प्लान्स हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं कि फ्यूचर में कौन से ऐसे काम हैं जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए फौरी तौर पर आपको करने हैं, कौन सा एजेंडा अब आप डिस्कस कर रहे हैं अपने साथियों के साथ और बिजनेस कम्युनिटी के साथ, क्या डिमांड आ रही है बिजनेस कम्युनिटी, क्या मांग रही है अब शहर के लिए? अब सबसे ज्यादा हमारी फेडरेशन और हम चैम्बर, सबसे पहले हमने बिजली को फोकस किया होगा। अच्छा, फेडरेशन के हमारे नुमाइंदे और हम लोग, एक एक हमारा नुमाइंदा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए पिटीशन में IPPs को खत्म कराने के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें ग्रीन सिग्नल मिला था कि हम इसको पॉजिटिव लेंगे, इसलिए हम गए हुए हैं। अगर ये बिजली का मामला सही ना हुआ तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं चल सकती, ये तो क्लियर है। अगर इंडस्ट्री चलेगी तो बाकी चीज़ें भी ले लेंगे, बाकी चीज़ें तो हैं अपने शहर के लिए, फ्री कॉरिडोर हम लोगों ने मांगा हुआ है, सेंशन भी होगा, चांदा किला हो रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है जो शुरू है इसको कंटिन्यू कराएंगे, यहाँ जो हम लोगों ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक अलहदा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो अपने शहर के लिए जो बनेगा वो करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि बिजली का मामला, इसको हम प्रायोरिटी पे दे रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह
यहाँ तीन स्टेटें बनी हैं तो हमारे ग्रुप ने बनवाई, जिसमें बैठे हैं ये हमने बनवाई है, फोर नंबर मैंने बनवाई है, मेरे दोस्तों ने मिलकर सेल्फ फाइनेंस में बनी है। ये पूरे पाकिस्तान में मिसाल है। स्टेट थ्री हमने पैसे दिए, जगह लेके दी, वहां की जगह हमने लेके दी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का टका नहीं लगा था, सिर्फ डेवलप करके हमारे पैसों से हमने दिए। दो नंबर उन्होंने बना के दी, लेकिन डेवलपमेंट हमने कराई। ये दो स्टेटें हमने बनाई हुई हैं, और भी एक इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि 1000 एकड़ की, लेकिन आजकल कारोबार ही ऐसा लेगा कौन, जो मईशत के हालात रिलेटेड बनी पड़ी है, कुछ जाता ही कोई नहीं वहां पे। सही है, आपके जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, जो आपका इंतखाब है, जिनसे आप वादा भी निभा रहे हैं, अजहर असलम साहब, उन्होंने हमारे साथ हमारे चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि एक मुतहिदा जो कारोबारी बरादरी है, एक यूनाइटेड चैम्बर उनका ख्वाब है। वो समझते हैं कि ये रस्सा कशी खेचतानी ये कम होनी चाहिए, और ये जो हम बहुत से दोनों ग्रुप अखराजात करते हैं हर इलेक्शन में, इन अखराजात को अगर हम बचाएं, हर साल एक नया अस्पताल गुजरा वालों को मिल सकता है, इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं पिछले दो हफ्ते आप मेरे पास आए थे जी, मेरी अपनी जाती ख्वाहिश है कि चपकलस नहीं होनी चाहिए। आपने मुफामत की कई दफा पेशकश की है, लेकिन यहाँ इसको पॉजिटिव नहीं लिया जाता, इसे कहा वो बह गए हैं भाई, इन्हें जो गए नहीं, होना तो अच्छा चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी में ये इंतखाब होना ही चाहिए, बैठ के जो सबसे अच्छा बंदा उसे आगे लगा ले, उसे सदर बना दे और एक कमेटी बनाए और काम करे। किसी को कोई अच्छा लगता है, दूसरे को जब दिल में देखो, हमने तो खुद नहीं बनना, इसी तरह वहां भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुद नहीं बनना, तो किसी को ना तुम इसे अच्छे बंदे आगे लगा ले यार, साल साल के लिए, डेढ़ डेढ़ साल के लिए तीन सीटें हैं, तो किसी को भी आगे लगा, वैसे भी तो पढ़ने ही है ना लोगों ने, तो ये सब कुछ हो सकता है, बैठ के बातचीत हो, बातचीत हो, इलेक्शन भी हो तो अच्छे माहौल में हो जाए ना, इतनी पब्लिसिटी करें ना, सही बात है, यही हम वेलफेयर पे को पैसा लगा ले तो बहुत अच्छी तजवीज है। इसकी हमायत भरपूर हमायत करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शनों में तलखियां बढ़ती हैं, चपकलें बढ़ती हैं, जो हमारे इस शहर में अच्छी बात नहीं। अच्छा, ये आखिर में बता दीजिए कि इस दफा कामयाबी के बाद आप, जाहिर है कि ज़हनी तौर पर आप भी मुफामत चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, आपके सदर के उम्मीदवार हैं वो भी इन्हीं ख्याल का इजहार किया उन्होंने, तो आप ऐसे कौन से इकदाम चाहेंगे हाउस को बेहतर चलाने के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का माहौल बेहतर करने के लिए? कई दफ़ा हम सुनते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ से बदतमीजी कर दी है, फ़लाँ ने फ़लाँ से तरक्की कर दी है, इन चीज़ों पर काबू पाने के लिए आपके जहन में क्या प्लान है, और अपोजिशन का भी कोई कॉर्नर रखेंगे आप, कोई गुंजाइश रखेंगे उसके लिए, ताकि वो भी अपना एक रोल प्ले कर सके, अगर हाउस में उनके लोग जीत के आते हैं तो उनकी तजावीज़ पे भी अमल हो, उनको भी इज्जत दी जाए, ऐसा प्लान है कोई आपके? देखिए, मैं पिछले दो साल भी गुजरा, उससे पहले भी, अगर आप पूरी हिस्ट्री निकाल के देखें, हमारे तरफ से कभी बदतमीजी नहीं, हमारी तरफ से कभी इल्ज़ाम नहीं लगा, हमारी तरफ से किसी के साथ ज्यादती नहीं, करे तो हम खुद उसका मुहासबा करते हैं, ना खुद करते हैं ना किसी को करने देते हैं, दूसरी तरफ से होती है तो फिर हमारा दिल जलता है, फिर हमारे बंदे भी हमें कहते हैं यार आप लोग जवाब नहीं देते, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, अगर वहाँ से भी मसबत हमें सिग्नल आए तो क्या बात है यार, हमारे बाप की कुछ जागीर है चैम्बर, ये सबका है, ये सबका हक है, अगर उनके मसबत रवैये हों, अच्छी तजावीज़ को दें और अच्छे तरीके से बोलें, अपनी जबान को शीरी कर ले थोड़ा सा, तो क्या मामला है, हर चीज़ हो सकती है, वाई नॉट, एवरीथिंग पॉसिबल। बहुत शुक्रिया पर साहब आपका, चले आपने वक्त दिया। कायद वन यूनिटी ग्रुप अखलाक अहमद बट साहब, जो साबिक सदर हैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, उनसे की गई गुफ्तगू आपने देखी और सुनी, मुझे आपकी आरा का इंतजार रहेगा। फैसल फारूक सागर को इजाजत दीजिए, अल्लाह।